अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे माछ की दाल के पोंगल और इसके साथ में फली और टमाटर की चटनी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम पोंगल बना लेंगे। पोंगल बनाने के लिए लेंगे हम 500 ग्राम माछ की दाल। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटों के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से भीग जाएगी, इसको पीस कर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो माछ की दाल को पीसने के वक्त में हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये अच्छे से भीग जाएगी तो पीसने में भी आसानी होगी, यानी कि बिना पानी के ही इसको अच्छे से पीस ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसका पेस्ट अब बिल्कुल रेडी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह की रहना जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी रहना। पीस लेने के बाद में अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और ये है चॉप किया हुआ प्याज 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, चॉप किए हुए थोड़े से करी लीव्स और 3 चॉप की हुई हरी मिर्च। तो ये सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद में अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में अब हम इसको विस्क करेंगे 15 मिनट के लिए। तो विस्कर से इस तरह से हम कंटिन्यू 15 मिनट के लिए विस्क कर लेंगे। अगर इस तरह से हम विस्क करेंगे तो पोंगल अच्छे से फ्लफ़ी बन के तैयार होते, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो जाते। तो कंटिन्यू हम इस तरह से विस्क कर लेंगे। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा लेना, तो इसकी वजह से पोंगल अच्छे से फ्राई होते। तेल को हम मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे और सबसे पहले पोंगल बनाने से पहले हाथों को थोड़ा सा कच्चा करेंगे। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और हाथ को हम पानी में डिप करते जाएंगे। उसके बाद में पोंगल का जो बैटर है वो लेकर इस तरह से हम तेल में डालते जाएंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पोंगल डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पे। अब ये पोंगल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम इसके साथ में सर्व किए जाने वाली फली और टमाटर की चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। पैन को गरम कर लेंगे और इसके बाद में अब हम फली को रोस्ट कर लेंगे। 100 ग्राम फली है ये, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि लो हीट पे रख के इसको रोस्ट कर लेंगे। फली का कलर जैसे ही चेंज होगा अब हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को भी फली के साथ में ही भून लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको, और जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए चटनी बनाने के लिए लेंगे हम 6 टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ लेंगे थोड़े से, थोड़ा सा करी पत्ता और कोथमीर। अब हम टमाटर, हरी मिर्च, कोथमीर और करी पत्ता लहसुन को एक साथ में करके 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसको पकाना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक मिक्सचर जार में फली और ज़ीरा डालेंगे और इसको पीसकर पाउडर बना लेंगे। फली का पाउडर रेडी हो जाने के बाद में अब हम इसी के अंदर टमाटर ऐड करके पीस लेंगे। पके हुए जो टमाटर है ठंडे हो जाने के बाद में हम इसको पीस लेंगे। तो इसी के अंदर ऐड कर लेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब हम इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसको बघार लेंगे। बघाने के लिए कुकिंग ऑयल लेंगे हम और इसके अंदर राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता।
अब ये बघार बिल्कुल रेडी है, चटनी को बघार लेंगे हम। अब ये फली और टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं इडली डोसा और वड़े के साथ में भी। तो ये वाली जो रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए आप लोग। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।